अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज मैं नूर साहब के पास आया हुआ हूँ। भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, आप आज हमें कुछ एक्वामेरिन के सैंपल्स दिखा रहे हैं भाई साहब, तो सबसे पहले जो आपने यहाँ पे ये रखा हुआ है ये भी ज़रा दिखाइएगा, और ताकि हमारे नाजरीन जो है इसको देख सकें। अच्छे जी, माशाल्लाह, ये इसके साथ ये मस्कोवाइट है, माइका जिसे हम कहते हैं, और ये एक्वामेरीन का एक क्रिस्टल है। ये आप देखें बिल्कुल कुदरती तौर पर जो है ये हेक्सागोनल बना हुआ है, पर ये इस साइड पे थोड़ा सा इसमें से पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ, और ये जो है ये कलर इसका थोड़ा सा वाइटिश है। बैरल फैमिली में ये आते हैं, इसको एक्वामेरीन कहते हैं। अच्छा जी, ये अभी ये देखें, ये अभी जो है ये पूरी तरह क्रिस्टलाइन नहीं है, कलर इसका जो है ब्लूइश की तरफ जा रहा है। इसकी बैक साइड पे ये क्वार्ट्ज है, और ये क्रिस्टल भी बना हुआ है, पर इस साइड पे जो है ये पूरा नहीं है। अच्छा, अभी ये जो है ये मस्कोवाइट, ये यहाँ पे टूटा हुआ है, और ये बहुत ही खूबसूरत, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ हीलिंग क्रिस्टल, अपने घरों में, अपने कमरे में, अपने टेबल पे रख के। कुदरती क्रिस्टल है ये, तो ये उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अभी ये जो है मल्टी क्रिस्टल्स जो है इसको कहते हैं, ये मल्टी टर्मिनेटेड। ये अब देखिए, एक क्रिस्टल यहाँ पे हुआ है, ये क्या पे, ये क्या पे, पर पूरी तरह डिवेलप नहीं हुआ, ड्यू टू मस्कोवाइट आया हुआ है यहाँ पे। और ये जो है इसको हम क्लस्टर कहते हैं, जियोलॉजिकल ज़बान में इसको क्लस्टर बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्रिस्टल जब एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो देन इट इज़ कॉल्ड क्लस्टर। तो ये देखिए, इसमें ये रेमडो इफेक्ट भी आ रहा है, काफ़ी क्रिस्टलाइन है, और ये आप इस तरह अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में, टेबल में रख के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अभी ये जो है इसकी यहाँ पे भी मस्कोवाइट बिल्कुल नेचुरल अंदाज से ये डेवलप हुआ है, और ये जो है ये भी एक खूबसूरत क्रिस्टल है माशाल्लाह। तो अच्छा, अभी ये जो है ये थोड़ा बहुत आप इसकी कटिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है अभी काफ़ी बेहतर बना हुआ है, सिक्स साइड्स पे एक्सागोनल है, और ये कटिंग के लिए भी अच्छा है, तो आप इसको कटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरह भी अपने बेडरूम में, अपने टेबल पे, अपने ऑफिसेज में इसको रख सकते हैं। अच्छा, अभी ये जो है ये इसके साइड पे जो है ये क्वार्ट्ज है, ठीक है, ये मिल्की क्वार्ट्ज है, और यहाँ पे ये डेवलप हो चुका है एक्वामेरिन क्रिस्टल, ठीक है। तो ये अभी देखें, अच्छा जी, अभी ये देखें आप, ये भी बहुत खूबसूरत क्रिस्टल है, साथ में ये जो है ये फ्रैगमेंट है एक्वामेरिन का। तेरी टोटल लॉट तो कीमत सुन रहे, हाँ 3 लाख रुपए इसकी डिमांड है। अच्छा जी, तो फिर आपसे कोई राबिता कर सकते हैं, तो फिर उनसे थोड़ा बहुत प्राइस में कर सकते हैं, ठीक है। इसका वजन तकरीबन कितना होगा पूरे लॉट का? दो तीन किलो तो होगा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, इंशाल्लाह अगर किसी भाई को पसंद हो तो फिर हमसे राबिता कर सकते हैं। शुक्रिया।